कुशवाहा पटेल जो टिकटॉक स्टार भी है और यूट्यूब स्टार भी है, तो एक बार वो मोरेगांव से, तो एक बार उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। ओके सो गाइस, बहुत सारे लोग मुझे बोल रहे थे कि यूट्यूब पे ब्लॉग्स क्यों नहीं आ रहे। वन मंथ से मैंने वीडियो ड्रॉप नहीं किया है यूट्यूब पे एंड ना ही मैं इंस्टाग्राम पे ज़्यादा करके फोटोज अपडेट कर पा रहा हूँ, बिकॉज मेरे कुछ फैमिलीज वर्क थे, फैमिलीज के इश्यूज थे, तो इसी सिलसिले के बारे में पूछा भी किया था, मैंने स्टोरी भी पुट करते थे तो हर बार मैं कहाँ जाता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करो, जाके फॉलो करो मुजा होटल 1998, नाम यहाँ पे दे दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। एंड वन मोर थिंग गाइस, सबसे मेन बात ये है कि मुझे बहुत सारे लोगों ने डीएम किया था कि तुम्हारा 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए एंड अभी तक प्ले बटन नहीं आया, सिल्वर प्ले बटन। तो यूट्यूब अभी तक मुझे मेल नहीं आया, बिकॉज कुछ भी अगर सिल्वर प्ले बटन आता है तो उसका कुछ प्रोसेस रहता है, तो उनका मेल आता है, तो उनका मुझे मेल नहीं आया। तो जैसे ही मुझे मेल आ जाएगा तो अपडेट कर देंगे उनको, तो तुरंत यू नो प्ले बटन आ जाएगा, सिल्वर प्ले बटन आ जाएगा। और वैसे ही मुझे कुछ 1,05,000 सब्सक्राइबर हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। तो थैंक यू सो मच गाइज, मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहो एंड इंशाल्लाह ब्लॉग्स आते रहेंगे। तो बस वही यूट्यूब का फिर से मेल करूँगा, डेस्कटॉप में जाके मुझे मेल करना है एंड इंशाल्लाह 1 या 2 वीक में प्ले बटन, देन उसके बाद मीटअप। सो वही एंड सबसे मेन बात ये कि जो मैंने स्टार्टिंग में हाईलाइट दिखाया एनजीओ का कुछ चैरिटी का शो था, इसके बारे में तुम्हें थोड़ा बाद में बता रहा हूँ। तो अभी फिलहाल जाएंगे हम मेरे फ़ोन का कवर लेने, तो मेरा फ़ोन का कवर अभी फिलहाल बहुत ख़राब हो चुका है, तो वहाँ पे कवर लेने जाऊँगा, देन उसके बाद देखते हैं एनजीओ का दिखाता हूँ। ओके ओके तो मैं सिटी सेंटर आया हूँ एंड सिटी सेंटर से बाय करते एक देखा। हाँ भाई, जब मैं बोलने जा रहा हूँ मैं देख रहा हूँ, जब मैंने देखो बोला तुम्हें चाहिए ना, बोलते क्या बोला भाई, अभी तुम्हें नहीं पीनेगा ना, ये भी अच्छा है, पुश करने का रहता है वो, इतनी अच्छी सपोर्ट की चीज़ दी है, मेरे कान में नहीं बैठता, आप लोग के कान में बैठता है इसीलिए, या फिर आप राइट। ओके तो मैंने ये वाला बाइक किया, बहुत हल्का है, पेपर की तरह हल्का कवर है एंड परफेक्ट है डूड, ऑसम कवर लगा। तो मैंने ये बाय किया, तो वो मुझे जानते थे इसलिए 200 के बजाय मेरे को 100 में यू नो 100 में मुझे ये कवर दिया, तो बहुत अच्छी बात है, पहचान बनानी चाहिए तो पहचान से काम इजी हो जाता है, तो वो मुझे जानते थे इसलिए। तो एंड आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं। ओके तो जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि चैरिटी इवेंट शो का जो मैं यहाँ पे गया था, तो वहाँ के वीडियोस की क्लिप्स नहीं बनाए, बिकॉज मेरे पास वीडियोस के क्लिप्स नहीं थे एंड मुझे बहुत सारे लोग डीएम कर रहे थे कि भाई जो तुमने एनजीओ के शो में गए थे तो वहाँ के वीडियो क्यों ड्रॉप नहीं किया। तो अभी जस्ट मुझे क्लिप्स आया, वीडियो की क्लिप्स आया, यश माने ने मुझे यू नो सेंड किया, अभी मेल किया, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूँ एंड थैंक यू सो मच यश माने मुझे बुलाने के लिए, क्योंकि इंस्टा की आईडी मैं यहाँ पे दे दूँगा। तो वहाँ पे कुछ फूड डोनेट कर रहे थे, जो हैंडीकैप थे हैंडीकैप चेयर उन लोगों को डोनेट किया एंड कुछ बच्चे गरीब थे उनको फीस दिए स्कूल की, बहुत कुछ किए, तो उसके बाद वीडियो में देखोगे तो पता चलेगा। तो थैंक यू सो मच यश, तो इसके बाद के जो भी वीडियोस रहेंगे देख लेना। तो कंटिन्यू, ये लड़का जो यहाँ पे खड़ा है यश माने, दोस्तों एक बार इनके लिए जोरदार तालियां बजनी ही चाहिए। यश माने ने इतनी चीजें सैक्रिफाइस की है कि शायद मैं आज यहाँ पे गिना नहीं पाऊंगा आप सभी को, इसने अपनी पढ़ाई तक सैक्रिफाइस की है, अपनी सेविंग्स सैक्रिफाइस की है, अपना टाइम, आजकल के बच्चे पढ़ाई के साथ फेसबुक व्हाट्सएप दोस्तों के साथ घूमना फिरना ये सब चलता है, बट यश ने अपना टाइम हमेशा सबसे पहले जरूरतमंदों को दिया है, जरूरतमंदों के लिए सबसे पहले खड़ा रहने वाला, जिनको सब लोग हेलीकॉप्टर दादा के नाम से भी जानते हैं, वो है यश माने। एक बार जोरदार तालियां टीम, एक बार यश के लिए जोरदार तालियां। मैं चाहता हूं कि एनजीओ की पूरी टीम मिलकर यश को फेलिसिटेट करे, प्लीज स्टे चेयर।
सबसे परफेक्ट मोमेंट। गाइस जोरदार तालियां बजते रहना चाहिए, ये किसी हीरो से कम नहीं। थैंक यू। ये हमारे लिए फ्रेंकली बोलूं तो हीरोइज्म का काम नहीं है, ये हम लोग हमारे दिल से जो हमको सही लगता है जरूरतमंदों के लिए। आप हमें कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जब आपको कहीं दिखे कि कोई जरूरतमंद को किसी भी प्रकार की मदद चाहिए, हमारा एनजीओ युवा प्रेरणा प्रतिष्ठान हमेशा आगे से आगे खड़ा रहेगा। और हम चाहेंगे इसी तरह जैसे आप लोगों ने हमको सपोर्ट किया है आगे भी करते रहें। और अब इसके बाद हम कुछ जरूरतमंदों को यहाँ पे खाने पीने की चीजें डोनेट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं कैसे जरूरतमंदों को हम यहाँ पे स्टेज पे बुला के उनकी जरूरत की चीजें, खाने पीने की चीजें उन तक कैसे पहुंचाएंगे, ये आप सबसे कुछ ही देर में देखने वाले हैं। हम लोग ने मिलकर यूट्यूब चैनल में कोलैबोरेशन किया था, मुस्तफा भाई को मैंने खुद बुलाया था। तो हम लोग ने यहाँ से हम लोग गए, बच्चे लोग को पिकअप किया, देन बच्चे लोग को -30 डिग्री में लेके गए, फिर वहां से हम लोग बच्चे लोग को खिलाया, देन उनको शॉपिंग कराया, देन उनको बर्गर खिलाया, ऐसा हम लोग करते रहते। तो मुस्तफा भाई आए, इधर परफॉर्म किए, मुस्तफा भाई आए और हम लोग को सपोर्ट किए, बहुत अच्छा लगा। और आज भी आए तो अभी इनके हाथ से अंबू थोड़ी देर में आने वाले हैं, तो उनके हाथ से हम लोग हैंडीकैप को व्हीलचेयर देने वाले हैं। तो थोड़ा एक डांस परफॉर्म होने के बाद कि हम लोग व्हीलचेयर भी दे देंगे। थैंक यू। तो मेरा नाम मुस्तफा पटेल है एंड मेरा यूट्यूब पे एक डायलॉग है, तो मचो जाओ पब्लिक, जलने वाले जलते पीपीएम से चलते। सो कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। एंड थैंक यू सो मच यश मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। एंड भाई बहुत सारे, जैसे यश ने बोला कि हमने बहुत पहले एक बार कुछ जो गरीब लोग हैं उनको कुछ -30 डिग्री में ऐसा कुछ लेके गए थे, आइसक्रीम खिलाए थे एंड पिज्ज़ा एंड ऑल कुछ क्लोथ्स शेयर किए थे। तो फिर मुझे यश भाई ने बोला कि फिर से हमने लगा, तो मैं रमजान होने के बाद भी मैं यश भाई का बोला कि हाँ ये करना है मुझे, तो मैं आ गया। एंड फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा नर्वस हूँ, तो बस थैंक यू। बाकी स्माइल देख के लड़कियां मर गई, बहुत ही प्यारी स्माइल, बहुत ही प्यारी स्माइल। थैंक यू सो मच मुस्तफा, तुम इधर आए, अभी तुम्हारे हाथ से विंचर हमने देंगे, अभी थोड़ी देर एक डांस परफॉर्म हो जाएगा, अपन साइड में खड़े रहते हैं, उसके बाद फिर अंबुज को बुलाएंगे फिर उनका वीडियो प्ले करते हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ कहना चाहूँगा कि जैसे ही मैं जो अभी मैं यहाँ पे स्टेज पे गया था, तो पहली बार स्टेज पे था, तो अभी मैं अटक गया था, तो कोई नहीं क्योंकि सारे मुझे देख रहे हैं, मैं अकेला सब लोगों को देख रहा हूँ, सारे मुझे अट्रैक्ट मतलब सब लोग मुझे देख रहे हैं, तो कुछ अलग ही फीलिंग हो रही, तो इसलिए मैं अटक गया था ये बीच में स्टेज पे। लेकिन फिर भी कैसे भी करके मीनू जो था वो मैंने बोला, तो आगे का देखो। और ये एनजीओ का इवेंट है जहाँ पर हम स्पेशली एबल लोगों को उनकी जरूरतें वाली चीजें देंगे, तो मैं चाहता हूं कि आशी मिक्की एंड मुस्तफा सर उन्हें व्हील चेयर गिफ्ट करें, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। एक बार जोरदार। हमारा जो एनजीओ है इसके लिए हम आप सभी लोगों का खूब खूब आभार मानते हैं। ऐसे ही हम जरूरतमंदों को जिन्हें एक्चुअल में ऐसे चीजों की जरूरत है उसके लिए हमारा एनजीओ युवा प्रेरणा प्रतिष्ठान हमेशा आगे खड़ा है। और मैं चाहूंगा कि आप जैसे कितने ही यहाँ पे लोग बैठे हैं, कुछ ना कुछ अपने हिसाब से
अपनी कोई भी चीजें हमारे एनजीओ को डोनेट कर सकते हैं। ये डोनेशन सीधा जरूरतमंदों को जाएगा, ये हमारी गारंटी है। और इसी तरह हमारा एनजीओ आगे बच्चों के लिए उनकी पढ़ाई का फीस, जरूरतमंदों को राशन पानी, ये सब भी प्रोवाइड करवाने वाला है। इसलिए मैं चाहूंगा आप सभी हमारे साथ आए, हमारे एनजीओ के साथ जुड़े और आपसे जो भी मदद बन पड़े प्लीज यहाँ पे आके हमें अपना सहयोग दें। आपको वीडियो पसंद है, आप सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट। अभी के लिए बार फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। एंड जो मैंने वीडियो शूट कर रहा था अफीफ जुक्का, तो अफीफ जुक्का मेरी इसकी इंस्टाग्राम आईडी यहाँ लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या फिर यहाँ पे दे दूंगा। तो ये मेरा वीडियो शूट कर रहा था, बहुत नॉलेज देना पड़ा कि ऐसे शूट कर, ये एंगल से शूट कर, लेकिन कोई नहीं कर दिया। तो अब से ब्लॉग इंशाल्लाह सुनाएंगे एंड अभी मैं फिटनेस पर ध्यान दे रहा हूँ। सो बाय, फिर मिलते हैं। एमएबी ब्रा।